निशान दहिया कमाल कर रहे हैं फिलहाल, अनुज खुराना आए हैं। इटल रोल स्पिन ट्विन करके गेम पलटा था मुंबई हीरोज के लिए और ये फ्लिक कर दिया है पीछे स्क्वायर लेग पे चार रन के लिए। अनुज के बल्ले से एक वाइटल बाउंड्री, मोर ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम पंजाब दे शेर बैट्समैन। सिर्फ ऐसा लग रहा है इस मैच में अब जो गेंदबाजी करी ना पहले ओवर में, ऐसा लगा अपूर्व लखिया थोड़ा सा अपना टप्पा ढूंढ रहे हैं क्योंकि कुछ ज्यादा फुल गेंदबाजी करी है, लो फुल टॉसेस डाली हैं, इस बार छोटी गेंद और लेग स्टंप की लाइन पे या बाहर जाती हुई लेग स्टंप से, इसलिए ये देखिए काम बल्लेबाज के लिए और आसान हुआ है अनुज के लिए। और यहाँ आप आधे बल्ले पे मार दो तो आउटफील्ड इतनी तेज फुल वैल्यू मिलती है। एक और छोटी गेंद कट कर दिया है तेजी से भागते हुए, क्या ये दूसरे रन के लिए, और ये दूसरा रन चुरा लिया। बहुत ही अच्छी बैटिंग अनुज की सब ने, शॉट है जी पर विकेट का मौका बन सकता था, चार रन मिलेंगे। अंडर लाइट्स उस बॉल की फ्लाइट को जज करना मुश्किल बना और अनुज को मिले चार। जी हाँ लेंथ गेंद और अनुज ने पूरा फायदा उठाया, थोड़ी जजमेंट में कमी दिखी। ये देखिए मार दिया था और ये देखिए पहुंचते पहुंचते, ओह इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस गेम 14 ऑलरेडी एंड एन इंपॉर्टेंट बैट्समैन, पार्टनरशिप हैज मूव्ड टू 43 रन्स, स्लोली गेटिंग डेंजरस नाउ फॉर मुंबई हीरोज एंड फ्रॉम पंजाब द शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू मच नीडेड। पार्टनरशिप 43 रनों की हो गई है, चलिए कुछ खुशी का माहौल बनता हुआ पंजाब द शेयर के खेमे में। ये मैक्सिमम है, आड़े बल्ले से गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर, 76/5। अनुज को वो पेस नहीं मिलता जो कि अब मिल रहा है, कट कर दिया है ओवर पॉइंट चार रनों के लिए, यही पेस उनको चाहिए था। 48 पे पहुंच गए हैं अनुज, पर देखिए ये गेंद का रिप्ले देखना दिलचस्प होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद बेहतर होता अगर थोड़ा सा पेस ऑफ द बॉल डालते यहाँ पे। ये तो बिल्कुल सीधा दी थी गेंद अभिलाष ने और गति का फायदा मिला अनुज को, 48 पर पहुंच गए देखते ही देखते। यहाँ अनुज को पेस गेंदबाजी दे के शायद रणनीति गलत हो सकती है और 48 रन एक वाइटल नॉक, दो शॉट है अपने हाफ सेंचुरी से। देखिए एक और मुश्किल हुई है ना जो मुंबई हीरोज को, ये कि आज अपूर्व लखिया ऐसा लगा कि वो पहला ओवर जब डाला तो ले में नहीं दिखे थे, इसलिए उनको सिर्फ एक ही ओवर करवाया। अच्छा शॉट है लेकिन इस बार बाउंड्री नहीं मिलेगी, दूसरे रन की तलाश जरूर होगी। सही एंड पे थ्रो है लेकिन वीक थ्रो है। क्वालिटी हाफ सेंचुरी, लुक एट हिम, क्वालिटी हाफ सेंचुरी, वैल्यूएबल नॉक अनुज, टेक अ बाउ ब्रदर। कहां पारी लड़खड़ा रही थी, 27/5 पंजाब द शेर की मुश्किलें चरण सीमा पे थी लेकिन अनुज खुराना क्या बैटिंग करी है इन्होंने, 50 केवल 24 गेंदों में, स्ट्राइक रेट 208 के ऊपर का, चार चौके दो सिक्सेस इस इनिंग्स में शामिल और कह रहे हैं अभी भी चार गेंदें बाकी हैं, मेरे रन गिनिएगा पारी खत्म होने के बाद। और ये उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से छक्का, अभिलाष भी शब्बीर जैसे आए और गए, 175वां छक्का इस टूर्नामेंट का। कैसे मैच का रुख पलटा है, 94 रन स्कोर बोर्ड पे, कहां खड़े हैं ये देखिएगा अनुज, क्रीज के कितनी बाहर और उसके बाद ये शॉर्ट आर्म पुल कहूंगा 6 के लिए। इनकी कोर स्ट्रेंथ देखिए यहाँ, जो स्टेडीनेस थी लोअर बॉडी का, जिस तरीके से इन्होंने अप्लाई, अच्छा कलेक्शन भी था बॉलर का। अनुज कह रहे हैं कोई बात नहीं, विकेट दूसरे छोर पे गिरा बस स्ट्राइक मुझे वापस क्यों दी थी इस वजह से। देखिए रमन भाई हम यही चर्चा कर रहे थे कि पेस ऑफ द बॉल बहुत जरूरी है, शब्बीर 20 रन के लिए गए थे, एक गेंद बाकी है अभिलाष की, 17 रन आए हैं इस ओवर से। ये
रिव्यू करना पड़ेगा स्ट्रेटजी। अनुज को आप पेस नहीं दे सकते, सिर्फ 11 गेंदों में उन्होंने 37 रन लिए हैं पेस बॉलर्स के। देखिए 17 रन इस ओवर से आ गए हैं, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, और वो जो पार स्कोर में कहता हूँ ना, कम से कम 100 तो इस पिच पे चाहिए आपको बैटिंग करते हो, कम से कम 100, वहां तक पहुंच गई है। सिंगल तो है ही दूसरे रन के लिए, क्या कप्तान साहब वापस पहुंच पाएंगे? ओ, इस बार कलेक्ट नहीं करी बॉल अभिलाष ने, यानी कि 100 का आंकड़ा पार कर लिया, 101 रन स्कोरबोर्ड पर डाले पंजाब द शेर ने। फिनोमिनल रिकवरी फ्रॉम वन पॉइंट एंड लुक एट दैट, ऑल थैंक्स टू दिस सुपर्ब नॉक फ्रॉम अनुज, 63 ऑफ जस्ट 28 बॉल्स, एक्सीलेंट।